हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम प्रीति है और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ब्लॉग है मेरे ऑफिस का, जब मैं ऑफिस बिना मेकअप किए गई हुई थी। और तभी मैंने देखा फ्रंट अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके, यार मैं तो बड़ी अजीब सी लग रही हूँ, मेरे ना हेयर कॉम्ब हो रखे हैं, ना मैंने लिपस्टिक लगाई है। तो फिर मैंने सबसे पहले अपने बैग से लिपस्टिक निकाली और फ्रंट मोबाइल का कैमरा ऑन किया, देन लगानी स्टार्ट की। मैं अपनी सीट पर बैठकर लिपस्टिक लगा रही थी, साइड में थोड़ा हंस भी रही थी क्योंकि आसपास के लोग कहीं ना कहीं मुझे देख रहे थे। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप ऑफिस गए हैं, आपने मेकअप नहीं किया और फिर आप मजबूरी में ऐसे मेकअप कर रहे हैं? देखिए ना, आसपास से मेरे लोग निकल रहे हैं। तो क्योंकि मैं हल्की फुल्की स्माइल भी कर रही हूँ, कुछ चीज़ें भी कर रही हूँ, इतने में याद आया यार कोई काम पेंडिंग था, मैं बताने लग गई। उसी दौरान मैं निकल गई कि यार मैंने तो लिपस्टिक को बंद भी नहीं किया है, और मैं लिपस्टिक हाथ में लेकर बात कर रही थी अपने काम को लेकर। मैं सीरियस हो गई थी, मैं भूल ही गई थी कि मेरे हाथ में लिपस्टिक है। देन मुझे याद आया, फिर मैंने सोचा यार हाथ में है ही, पूरे ऑफिस ने देख ही लिया है। तो मैंने इधर उधर निगाह छिपाते हुए दोबारा से अपनी लिपस्टिक कंप्लीट की, शेप बनाई लिप्स की अच्छे से, और फिर तो मैंने खुल गया, मैंने खुल के एकदम अपनी लिपस्टिक लगाई। मैंने सोचा भाई क्या रखा है, शर्म करके कुछ भी नहीं रखा है। तो मैंने ऐसे करके लिपस्टिक लगाई, उसके बाद भी मेरा दिल नहीं मान रहा था क्योंकि मैं मैरिड हूँ। तो मैंने सोचा चलो सिंदूर लगाया जाए, है ना, वरना लोग बोलते हैं अरे आप मैरिड हैं, पता नहीं हमें आप सच में शादीशुदा हैं। मैं सच में शादीशुदा हूँ, तभी सिंदूर लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा। तो फिर मैंने अपनी लिपस्टिक को ही अपने सिंदूर के इस्तेमाल में लिया और उसको लगाया। देन मुझे लग रहा था कि हाँ अब मैं काम ना कर पाऊँगी, तो मैं डेस्क पर बैठ कर ही तैयार हो गई। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अब मेकअप तो कम्प्लीट हो गया था, लेकिन बात आई थी दिक्कत हो रही थी कि सही से बैठूं कैसे। तो मुझे ना मेरी चेयर बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, मैं बहुत इरिटेट हो गई थी। मैं चेयर पे घूम घूम के देख रही थी और बैठ कर देख रही थी कि भाई कैसा लग रहा है। देन मेरे को ध्यान आया कि भैया अभी तो ऑफिस में कोई लोग भी नहीं आया, तो मैंने साइड वाले की चेयर चुपचाप से खिसकाई, इधर उधर देखा कि कोई मुझे फोकस तो नहीं कर रहा। देन उसके बाद मैं सीट पर बैठी और फिर मैंने अपने आप को निहारा कि हाँ अब मैं ऑफिस में काम करते हुए कैसी लग रही हूँ। तो मतलब क्या आपके साथ भी कभी ऐसा ही हुआ है? फिर मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठी, मैंने आलती पालती लगाई और तुरंत मैंने अपने काम पर फोकस करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा फेस बहुत स्माइल करता है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो एक सामने एक मैम आई हुई थी, उन्होंने स्टाइल में रहने वाली एक टी शर्ट पहनी थी, तो मैं उनको देख कर बोली थी स्टाइल में रहने का। और मेरी किटपिट करने की बहुत आदत है काम करते करते दूसरों को दिखाने की, क्योंकि मैं एक न्यूज़ चैनल से बिलोंग करती हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो मेरा न्यूज़ रूम सुबह सुबह थोड़ा खाली होता है क्योंकि दिन भर तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो काम करते करते ये थोड़ा सा वक्त होता है जो मैं अपने फ़न के लिए निकाल लेती हूँ। आई होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आपको मेरा न्यूज़ रूम देखिए आपको कैसा लग रहा है। ये न्यूज़ रूम जो है ये है भारत 24 का। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको सच में मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज आप मुझे बताइए, अगर आपको सच में मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मैं आगे ब्लॉग्स बताऊंगी, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं।